बोले थे। हाँ, मैंने बोला, मैंने कहा था कि मैंने एक चिट्ठी लिख मारी, मैंने एक चिट्ठी लिख मारी, इसमें गलती कहाँ है? गलती तो है, ये तो लग रहा है। हाँ, सर लिख डाली हो है। मैंने एक चिट्ठी लिख डाली सर, मैंने एक चिट्ठी लिख डाली। हाँ, और दूसरा डायरी में नोट करिएगा, इस सेशन के लास्ट में मैं इस पे चर्चा लूंगा। दूसरा लिख प्रश्न, डाली ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उसने एक महान ग्रंथ लिख डाला है, उसने एक महान ग्रंथ लिख डाला है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें कहाँ गलती है? बताएंगे कोई? दीपशिखा जी से बहुत सर, ये इंटरेक्ट है। डाला है हाँ, लिख सर। डाला है। हाँ, हाँ क्या डाला है, गलत है सर। क्या होना चाहिए वो, और क्यों होना चाहिए? डाली होना चाहिए, डाली लग रहा है। सर एक बार सेंटेंस बोलेंगे प्लीज। मैंने ये कहा उसने कि एक महान उसने एक ग्रंथ, महान ग्रंथ लिखा है, ये होना चाहिए सर। शिवम जी, मेरा जो ये था प्रश्न था, उसने एक महान ग्रंथ लिख डाली है। मारी पहला था लिख मारा, मैंने एक चिट्ठी लिख मारी। आप लोग ये दोनों चीजें डायरी में नोट कर लें, हम सेशन के अंत में इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमारा क्रिया का आज का पाठ खत्म होगा। चलिए, क्रिया के बारे में आपको पता है क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया का मतलब होता है जब किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी भी काम का। मैं अगर सो रहा हूँ तो वो भी एक काम है, मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो वो भी एक काम है, पढ़ रहा हूँ तो भी काम है। तो ऐसे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का अनुभव हो, सांस ले रहा हूँ ये भी क्रिया है, सोच रहा हूँ ये भी क्रिया है, इंसान कभी खाली नहीं बैठता है। ठीक है, क्लियर है ये परिभाषा? क्लियर है तो आगे बढ़ूँ मैं। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब क्रिया जो शब्द क्लियर। है ये विकारी शब्द है। मैंने बीच में भी एक बार विकारी और अविकारी पर चर्चा किया था, आप में से अगर किसी को विकारी शब्द का अर्थ ना पता हो तो बता दें, नहीं तो फिर हम उसको बता के आगे बढ़ेंगे। विकारी मैंने शब्द, नहीं किया था। अच्छा ठीक है, विकारी शब्द आपको पता है? विकारी का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो, वो विकारी शब्द है। विकार जैसे मैं कहा, एक शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने पढ़ना एक शब्द मैंने बताया, तो पढ़ना का ये विकार उत्पन्न होगा क्या? लिंग और वचन के साथ विकार उत्पन्न होता है। जैसे आप कहें कि लड़की ने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, विकार उत्पन्न हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है रोमा जी? ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई विकार लिंग और वचन के अनुसार न किया जा सके। विकार का मतलब कोई परिवर्तन न किया जा सके। जैसे पढ़ना जो शब्द है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, हो रहा है क्या लिंग के अनुसार? जैसे लड़का भी किताब पढ़ी कहेगा और लड़की भी, तो ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न न हो पाए उन शब्दों को हम अविकारी कहते हैं, और जिनमें विकार मतलब जिनमें परिवर्तन हो सके उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया जो शब्द है वो विकारी शब्द है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े रोमा जी। जी सर, अब ठीक समझ है। में आए। अब क्रिया कैसे बनती है? क्रिया तीन प्रकार के शब्दों के योग से क्रिया हम बनाते हैं। जैसे हम संज्ञा से भी क्रिया बना लेते हैं, हम विशेषण से भी क्रिया बना लेते हैं, और धातु, धातु मतलब अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो इसको रूट वर्ड कहा जाएगा। धातु संस्कृत में भी धातु बोला जाता है, जिसे रूट वर्ड कहा जाता है, धातु अर्थात रूट वर्ड। सबसे पहले मैं आपको धातु वर्ड से बताता हूँ कैसे बनाते हैं। धातु से संज्ञा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मान है, मान जो शब्द है, मान से ना लगा दिया गया तो मानना हो गया, तो जो मान जो शब्द है वह क्या होगा? धातु होगा, रूट वर्ड कहलाएगा यहाँ। ठीक है, क्लियर है? यहाँ संदेह हो तो बताइए, फिर अगला बताऊँ मैं।
सर हमको थोड़ा सा विकारी वाला एक बार बोल दीजिए ना सर, एक बार एक तो अविकारी बोले कि मैंने किताब पढ़ी तो जो चेंज नहीं होगा तो वो हो गया अविकारी, और विकारी में चेंज होगा जैसे सर शब्द अगर पढ़ा तो हम लोग जब पढ़े कि खाना वो बता रहे वह काम किया होगा या बोले वह काम की होगी तो जो चेंज कर रहे उसी को विकारी बोलते हैं क्या सर? देखिए आप ये लिख रहे हैं कि मैं लड़की ने किताब पढ़ी, ठीक है, पढ़ी से अच्छे समझ में आएगा, लड़की ने किताब पढ़ी और लड़के ने किताब पढ़ी, ये जो पढ़ना जो शब्द है, पढ़ना शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, पुरुष भी पढ़ी बोलेगा, महिला भी पढ़ी बोलेगी, इस तरह के कई शब्दों पे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो ये अविकारी शब्द हो जाएंगे जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैं मान कह रहा हूँ, माँ और ना, मान में ना जोड़ देने से मानना हो जाता है, इसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे विकारी शब्द कहे जाते हैं, मतलब उनमें परिवर्तन लिया जा सके, कर दिया जा सके, ठीक है ना? ठीक है। मैं आपको धातु बता रहा था, धातु मतलब अंग्रेजी में जिसे रूट वर्ड कहते हैं, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं ना, रूट वर्ड मतलब एक शब्द होगा उसमें कई सारे उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके उस शब्द को बदल दिया जाता है, तो धातु से भी क्रिया बनती है, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप में एक ही सम रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, मान हो गया, जैसे हम खा शब्द बोलेंगे, खा से ना जोड़ के खाना बनता है, ठीक है, जा, जा से बनता है जाना, आ से बनता है आना, तो इनमें परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। अब ये जो मैं धातु बता रहा था, धातु में मूल धातु कहते हैं, और इसका दो रूप है बेसिकली, तो पहले मूल धातु का, अमित जी को आवाज आने लगी है रवि जी, ठीक है, तो मैं बता रहा था कि धातु में मूल धातु होता है जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते, जैसे मैंने खा बोला है, जा बोला, इसमें और कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, ये मूल धातु कहलाएगा, अर्थात जो धातु किसी दूसरे शब्द के संयोग से बने होते हैं वो यौगिक हो जाते हैं, और जो दूसरे शब्द के संयोग से नहीं बनते हैं वो मूल होते हैं। जैसे मान लीजिए खा मैंने कहा वह मूल हो गया, लेकिन खा में ना जोड़ दिया गया, या खा में खाना में खिलाना करते हैं ना, आना वाना चलाना जैसे हो गया, पकाना हो गया, पढ़ाना हो गया, पढ़ जो है मूल धातु है उसमें आना जोड़ दिया गया तो पढ़ाना हो गया, इस तरह से ये यौगिक बनता है। तो धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक, ये 2005 में प्रश्न आया था, तो इसलिए इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक। पहला होता है जो किसी धातु किसी शब्द से न बना हो, उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, और मूल धातु में प्रत्यय लगा करके जो नया धातु या नया शब्द बनाया जाए वह बनता है यौगिक धातु, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, मुझे बता दीजिएगा अगर क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा। जी सर, जी सर, क्लियर है सर, हाँ, फिर मैं बीच में परिवर्तन कर दूंगा, ठीक है। सर दोनों का एक एक एग्जांपल दीजिए ना सर। मैंने बताया मूल का, बताया खा, भूख लगी है, शाम का समय है इसलिए बहुत अच्छे से याद रहेगा, खा, खा में कोई और शब्द तो नहीं जुड़ा हुआ है, मैंने कहा आ, आ में कोई और शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, मैंने कहा पढ़, पढ़ में और कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मूल धातु हो गया है। मूल धातु, धातु मुख्य रूप से क्रिया को कहा जा रहा है यहाँ, लेकिन इसमें पढ़ के साथ मैंने ना जोड़ दिया, क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ में मैंने आना जोड़ दिया, पढ़ाना हो गया, खा में मैंने ना जोड़ दिया, खाना हो गया, खा में आना जोड़ा, खिलाना हो गया, तो ये जो प्रत्यय मैंने जोड़ा, प्रत्यय मतलब जो बाद में शब्द के बाद में जो जुड़ता है वह प्रत्यय होता है, और उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है, तो प्रत्यय जोड़ करके हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए उसे हम यौगिक धातु कहते हैं, आप यौगिक धातु या यौगिक क्रिया भी उसको मान सकते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ें। अरे बताइए किसी को क्लियर ना हो तो,
हाँ सर क्लियर है सर। जी सर सर हो गया क्लियर सर। इशारा कर दीजिए नहीं तो मुझे लगेगा वही परेड वाली कहानी लगेगी। ठीक है अब सर यौगिक का एक एग्जांपल क्या बोले? मैंने बोला खिलाना सुलाना रुलाना हंसाना आना जिसमें जुड़ा हो वो यौगिक मान लीजिए। ठीक है सर। अब इसके बाद जो अगला शब्द आता है अगला शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक जिससे प्रेरणा दी जाती है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं प्रेरणार्थक। कई जगह ही आपको प्रेरणार्थक धातु लिखा हुआ मिलेगा। प्रेरणार्थक धातु अगर लिखा हुआ मिलता है तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रेरणार्थक धातु मतलब प्रेरणार्थक क्रिया ही होता है। ठीक है प्रेरणा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रेरणा दे रहा है जबरदस्ती करवा रहा है धक्का मार के करवा रहा है किसी और के कहने में जो कार्य किया जाए उसको कहा जाता है किसी और की प्रेरणा से जो कार्य किया जाए। पूजा जी कुछ कह रही हैं? पूजा जी माइक ऑन है आपका? हाँ सर माइक नहीं सर कुछ कह नहीं रहे। अच्छा माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है तो मैं ये बता रहा था कि प्रेरणार्थक क्रिया प्रश्न में पूछा जाता है लगातार 2016-17 में रिपीट किया गया है इसको। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं आप अगर डायरी हो तो नोट करिए किसी भी क्रिया में क्रिया मतलब किसी भी धातु में आना लाना वाना ये तीन प्रत्यय अगर जोड़ा जाए तो जो शब्द बनेगा वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। एकदम आसान फिर से सुन लीजिए किसी भी धातु में धातु मतलब क्रिया में आना लाना और वाना अगर जोड़ा जाए तो जोड़ करके जो नया शब्द बनेगा वह प्रेरणार्थक शब्द कहलाएगा या प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे हम उसे या प्रेरणार्थक धातु कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपको लिखना एक शब्द मैंने दिया लिखना में मैंने वाना जोड़ दिया तो लिखवाना हो गया। अगर मैंने हंस बोला कहते हैं ना हंस बच्चे हंस तो हंस में अगर हम वाना जोड़ दिए तो हंसवाना एक्चुअल में हंसवाना शब्द है क्या पूजा जी? नहीं सर हंसाना होता है सर हंसवाना नहीं होता है। सुनिए नहीं नहीं होगा वाना नहीं होगा हंस में आना जोड़ा गया तो हंसाना होगा हंसाना। इसी तरह से जैसे मान लीजिए खेत कटवाते हैं ना लोग तो खेत काटना एक शब्द है इसमें हमने वाना जोड़ दिया तो कटवाना हो गया खेत कटवा रहे हैं या फिर मान लीजिए कुछ और कटवा रहे हैं पेड़ कटवा रहे हैं तो ये कटवाना टिकट कटवा रहे हैं तो कटना से कटवाना जुड़ा। इसके बाद मान लीजिए पढ़ शब्द है पढ़ना है उसमें हमने वाना जोड़ा तो पढ़वाना हो गया। ठीक है ये जो शब्द है मतलब सर वाता प्रत्यय भी हो सकता है ना वाता प्रत्यय वाता बताइए वाता प्रत्यय लिखवाता लिखवाता आना लाना वाना वाता वाता भी सर, है, मैंने वाता। हाँ वाता भी है लेकिन वाता का ज्यादातर हम प्रयोग वाच्य में करते हैं। ठीक है वाता अमूमन वह लिखवाता होगा पढ़वाता होगा इस तरह के वाक्य आप इस तरह के शब्दों की बात आप कह रही हैं ना वाता भी होता है लेकिन अमूमन ज्यादातर हम लोग इन तीन तरह के शब्दों का ही प्रयोग पाते हैं। आप बताइए मुझे कोई शब्द जिसमें वाता लगा हो। मैं उसे पत्र लिखवाता हूँ लिखवाता हूँ लिखवाता के अलावा और कहीं पढ़वाता हूँ कटवाता हूँ टिकट कटवाता हूँ उसी रूप में आ जाएगा। ठीक है वाना मतलब उसमें कहीं ना कहीं वाना जुड़ा हुआ है वाना की जगह पे ना की जगह उसमें ता धातु जोड़ा गया है तो ये जो चीज है ये आपकी प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ये मैंने आपको सूत्र बता दिया। अब परीक्षा में क्या होता है परीक्षा में एक पूरा वाक्य दे दिया जाता है और उसमें कहा जाएगा कि इसमें क्रिया का रूप पहचाने चार विकल्प दिया जाएगा। जैसे आपका ही मैं ले लेता हूँ आपने कहा पढ़वाता तो मैं अपने बेटे से खत पढ़वाता हूँ मैंने ये वाक्य लिखा। अब इसमें मैं कह दूंगा कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है क्षमा करें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है या फिर पूछ लेंगे क्रिया के चार रूप दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें क्रिया का क्या रूप है वो आपको चुनना होगा। तो आपको उसमें अगर प्रेरणार्थक मतलब किसी और के कहने पर स्वयं करता वह काम नहीं करता है वो प्रेरणार्थक क्रिया माना जाता है। ठीक है तो मुझे लगता है प्रेरणार्थक में और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़े हम अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ
वह है संयुक्त धातु, धातु कह लीजिए। हाँ सर, प्रेरणा दो भेद भी होते हैं ना कि प्रथम और द्वितीय बोल कैसा कुछ होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हुए पेपर में रहता है कि मैं क्या? उस पे आऊंगा। मैं पहले क्रिया के जो अलग अलग रूप हैं उसके बारे में बता दूं, फिर मैं एक एक रूप की चर्चा पे आऊंगा। प्रेरणार्थक में जैसे आपने बताया दो प्रकार का होता है, प्रथम और द्वितीय, दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम क्रिया क्या है, जिसका प्रभाव कर्म पे न पड़ता हो, और द्वितीय में है जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। मैं उसके बारे में फिर आऊंगा, पीछे आ रहा हूँ। तो अब इसके बाद हम अगला जो अगला क्रिया का जो रूप बताने जा रहे हैं वह है संयुक्त धातु या संयुक्त क्रिया। धातु को आप क्रिया मानिएगा। संयुक्त धातु क्या होता है या संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया है जब दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है किसी वाक्य में, या ये कह लें दो या दो से अधिक क्रिया के प्रयोग से बनने वाला जो क्रिया बनेगा वह संयुक्त धातु कहलाएगा या उसे संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। कन्फ्यूजन हो गई? नहीं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है सर? एक बार और रिपीट कीजिए। हाँ ठीक है, रिंकी जी को कन्फ्यूजन हो गई, बहुत अच्छी बात है। और किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताएं, और जिसको ना हो वो एक्सप्लेन करें। हाँ सर, फिर से बता दीजिएगा। फिर से बता दें, ठीक है। आप लोग टोक दिया करिए, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा कि पंडित जी कथा बांच के चले गए और कंस महाराज की जय लास्ट में हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि संयुक्त क्रिया या फिर संयुक्त धातु क्या है। इसमें दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने अमित जी से कहा, अमित जी एक पत्र लिख दीजिए, मुझे माउंट आबू जाना है, माउंट आबू में मुझे उनके जो आश्रम है ब्रह्म कुमारी के वहाँ मुझे रुकना है, और अमित जी फॉलोअर हैं तो अमित जी एक पत्र लिख देंगे संस्थान को, तो मुझे वहाँ रहने का मौका मिल जाएगा। तो मैं अमित जी से कहूँगा, अमित जी मेरे लिए एक पत्र लिख दीजिए। लिखना एक क्रिया और साथ में दीजिए मैंने कहा, यह दूसरी क्रिया हो गई। हाँ, चाहना भी इसमें आएगा, अरुण जी कह रहे हैं। तो लिख देना, लिख सकना, पढ़ सकना, खा चुकना, इस तरह का मतलब दो प्रकार की क्रिया उसमें जरूर रहेगी। बहुत आसान है, जो दूसरी क्रिया होगी इसमें, पहली तो मुख्य क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया को अंग्रेजी में जैसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, उसी तरह से इसमें सहायक क्रिया कही जाती है। क्लियर है ये, या फिर से बताऊं मैं? दीपशिखा जी, दूसरा जो भर टू है सर, उसको ही मतलब हम लोग बोलेंगे संयुक्त क्रिया। पूजा जी मैं वार्न करूंगा यहाँ आपको, जब हिंदी पढ़ेंगे तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे अधिकांश, सॉरी सर, और हिंदी के व्याकरण में तो। हाँ मैं उदाहरण सर, मतलब क्रिया जो है सर, मतलब लिख दीजिए जो दूसरी क्रिया है, तो उसी को हम लोग संयुक्त सहायक क्रिया बोले। नहीं नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, देखिए मैं सर। हाँ बोलिए सर, थोड़ा इंटरप्ट कर बोला सर, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन सा संयुक्त क्रिया है कौन सा सहायक। एकदम सही आप बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन होना भी चाहिए, नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने आपको दो क्रिया का रूप बताया यहाँ, पहले बोला लिख, दूसरा बोला दीजिए, दो क्रिया बताया मैंने, बताया ना रोहित जी? हाँ सर, हाँ सर, बोले सर, दो क्रिया। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी, ये लिखना वाला जो मुख्य काम उनको मैंने दिया ना, पहला काम वो क्या करेंगे, लिखेंगे, तो लिख, हाँ सर, तो लिखना जो होगा, लिख हो गया ये मुख्य क्रिया, और देना या दीजिए ये सहायक क्रिया हो गई। मतलब अक्सर सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है। अच्छा, प्रधान क्रिया जिसको बोल लीजिए या मुख्य क्रिया बोल लीजिए, उसके बाद सहायक क्रिया का जोड़ होगा। स्पष्ट है? नहीं सर, किंतु आप तो यहाँ पर अभी जो टॉपिक डील कर रहे हैं वो तो संयुक्त क्रिया का डील कर रहे थे ना सर। संयुक्त क्रिया में ही सहायक क्रिया आती है। मैंने आपको क्या बताया कि जब दो क्रिया एक साथ, जी रवि जी सही कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, जब दो क्रिया किसी वाक्य में दो या तीन क्रिया एक साथ हो तो उसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। ये क्लियर हो गया? अब इस वाक्य, अब जैसे मैंने कहा अमित जी एक चिट्ठी लिख दीजिए, या फिर मैं रोहित से बोलता हूँ, आपसे कहता हूँ कि रोहित जी एक फोन कर दीजिए, फोन अपने आप में यहाँ कर्म हो जाएगा। इसके बाद करना, फोन करना मतलब करना एक क्रिया हो गई, और साथ में दीजिए, करना और देना दो हो गया ना, तो जो दूसरा दीजिए मैंने कहा वह सहायक क्रिया हो गई।
क्लियर है? अच्छा मतलब सर, हाँ सर, यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों को मिलाकर ही संयुक्त क्रिया बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, दो को ठीक। जैसे समझ गए सर, जैसे हम अनुवाद में कैसे पढ़ते हैं, मैं अनुवाद में बताता हूँ कि आप तीन चार शब्दों को मिलाकर के सब्जेक्ट मान लीजिए, या फिर तीन चार शब्दों को मिलाकर के हम सीधे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उससे अनुवाद आसान हो जाता है। उसी तरह से किसी भी वाक्य में इसमें अक्सर यही होता है, चार ही शब्द आते हैं, सकना, देना, चुकना और डालना, ये चार ही शब्द इसमें आते हैं। पांचवा छठवा भी हो सकता है लेकिन अक्सर हम लोग इन चार का प्रयोग करते हैं। सर चौथा क्या बोलिए? सकना, पहला सकना, मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ना एक क्रिया और सकना, ठीक है, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, ये एक क्रिया हो गई। और उसके बाद दूसरा मैंने बताया, मैंने कपड़े धो डाले, हो गया ना। या फिर क्रिकेट आप लोग अगर देखते हो, कमेंट्री सुनते हो, तो बोलते हैं कि राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धो डाला। तो धोने के साथ जो डालना प्रयोग किया गया वह सहायक क्रिया मानी जाएगी और इन दोनों के मेल को संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? डालना, डालना, धो डाला मैंने बोला ना आपको कि राहुल द्रविड़ ने पाकिस्तान को धो डाला। या फिर जैसे मान लीजिए आप ही गुस्से में पड़ोसी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के आई, तो आप बोलेंगे कि मैंने आज पड़ोसी के बच्चे को धो डाला, मतलब पीट दिया उसको। तो ये जो डालना शब्द है यह भी सहायक क्रिया होगी। इसके अलावा और भी कई सहायक क्रिया हो सकती है लेकिन मुख्य रूप से इन चार का हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं। क्लियर सर, एक बार चारों को रिपीट कर दीजिए ना। सबसे पहला मैंने बोला आपको, विद्या जी, मैंने बोला आपको सकना, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, पहला हो गया। सकना के बाद होता है देना, लिख दीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ दीजिए, ये देना, खत लिख दे संवरिया के नाम बापू, किसी गाने में गाने से आपको रिलेट कर लीजिए, लिख भी बोला और दे भी बोला, ठीक है। उसके बाद चुकना, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं ऊब चुका हूँ, ठीक है, तो वहाँ चुकना आ गया। उसके बाद डालना शब्द आता है, मैंने क्रिकेटर को धो डाला, मैंने आज अपने बच्चे को धो डाला, और नहीं तो बॉस से नाराज़ हूँ तो उनको 50 बात सुना के आया और मैं बोलूँगा कि मैंने अपने बॉस को आज धो डाला। क्लियर है, आगे बढ़ें? ठीक है, विद्या जी को क्लियर हो गया, कृति जी आपका क्लियर हुआ ये? सर हाँ, रोहित जी बोलिए। सर इसके साथ एक बात आप नोट दिए थे सहायक क्रिया का, आना जाना, होना लेना देना, पाना उठना बैठना, ये मतलब ये संयुक्त क्रिया के साथ ही यूज होता है क्या सर, मतलब इसका प्रयोग होता है क्या? अमूमन मैंने लिख डाला, धो डाला, आना नहीं, वो जो आना डाना मैंने बोला था वो ज्यादातर प्रेरणार्थक में प्रयोग होता है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है सर, मतलब धक्का दे के रोहित जी से मैंने लिखवाया, खिलाया, पढ़ाया, इस तरह की चीजें होंगी वहाँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक और शब्द आता है नाम धातु, ये भी मैंने किसी परीक्षा में देखा था। नाम धातु क्या क्या है? धातु का मतलब मैंने आपको बताया रूट वर्ड, या फिर धातु का क्रिया भी होता है, और नाम कहते हैं संज्ञा को। तो संज्ञा और विशेषण में, ये संज्ञा हो गया, ये विशेषण हो गया, तो संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय क्या है? बाद में जो शब्द आए, ठीक है, तो संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनता है उसको नाम धातु कहते हैं। इसलिए आप देखिएगा अक्सर जो लोग कीर्तन करते हैं, कोई भी कीर्तन करें, हरे राम हरे कृष्णा या वाहे गुरु करें, जो भी करते हैं वो लोग कहते हैं मैं नाम ले रहा हूँ, नाम संकीर्तन वहाँ कहा जाता है उसको, वाहे गुरु कह रहे हैं, या फिर जो भी आजान अगर कर रहे हैं तो वो भी नाम लेना कहा जाता है। तो नाम मतलब संज्ञा या विशेषण और उसमें प्रत्यय लगा करके नाम धातु बनाते हैं, अर्थात ये नाम धातु का एक रूप हो गया। अब ये नाम धातु उन संज्ञा से कैसे बनाते हैं? जैसे संज्ञा से क्रिया बनाना, विशेष करके मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में मैं गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बिल्कुल निधि जी आप सही बोली हैं, मुझसे उन्होंने कहा कि एक संज्ञा शब्द को आप क्रिया में बदल के दिखाइए। तो संज्ञा क्या है? हाथ, पैर
लात, जूता, ये सब क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। अब हाथ से हथियाना, जूता से जुतियाना, उसके बाद लात हो गया तो लतियाना, लाठी लठियाना, आप घर रंगवाते हैं तो रंग से रंगना हो गया, स्वीकार से स्वीकारना होगा, बात से बतियाना। रवि जी सही, इस तरह से मतलब यहाँ फिर हमने आना वाना वगैरह का प्रयोग करके और इसको नाम धातु बना दिया। रंगवाना जो वर्ड है वो गलत है सर, कि रंगना ही होता है। नहीं, रंगवाना तो फिर प्रेरणार्थक क्रिया में चला जाएगा ना, ये अंतर समझिए आप। जहाँ वाना हमने लग दिया उसका मतलब मैं किसी और से करवा रहा हूँ उसको, लेकिन अच्छा। रंगना मैं खुद ही रंग रहा हूँ, पढ़ना मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक सर। इसमें भी तो आना आ रहा है ना सर, कहाँ आना आया? ये जुतियाना, हथियाना, आना। चलिए मैं गाना सुनाता हूँ, मैंने कभी एक गाना सुना था, हमारे बलमा बेईमान हमें फुसलाने आए हैं। ठीक है, नोट हथियाने आए, वोट हथियाने आए हैं, ये हथियाना शब्द यहाँ प्रयोग हुआ। ठीक है, मैंने उसको बहुत जुतियाया है, बोलते हैं ना गुस्से में, ये जुतियाना जो शब्द है ये अवधी और भोजपुरी से मिलकर गया है, खड़ी हिंदी में आपको जुतियाना शब्द नहीं मिलेगा। लठियाना, मैंने उसको लठिया दिया, मैंने आपको एक शब्द दिया, क्रिया शब्द दिया, लेकिन इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य के अनुसार इसका स्वरूप बदल लेते हैं हम। उन्होंने लठिया दिया, या फिर कुबूल है, कुबूल है तीन बार बोलते हैं ना जब शादी होती है, निकाह होती है तो या फिर मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो बेसिक उसका मूल जो है वह स्वीकारना है, स्वीकारना से स्वीकार बना है। ठीक है, वाक्य प्रयोग में स्वीकारना नहीं आएगा, विशेषण से उदाहरण रवि जी कह रहे हैं, विशेषण बताइए। मैंने रंग बताया, रंग विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है, होता है नहीं होता है? रवि जी नहीं होता है रंग? अरे रंग तो संज्ञा और विशेषण दोनों रूप में प्रयोग होता है, तो कोई भी एक विशेषण उठा लीजिए और उसके साथ आप ये शब्द लगा के देख लीजिए। एक विशेषण शब्द बताइए मुझे, पूजा जी आप बताइए। सर लड़ना। लड़ना, लड़ तो क्रिया हो गया। चलिए और कोई बताएगा? गोरा, गोरा जो बोलते हैं वर्ड, गोरा या काला, वो तो उसका विशेषता ही ना है सर, विशेषण ही ना हुआ, उससे क्रिया कैसे बनाएंगे? हाँ जितिन जी सर, निराश होना, निराश तो भाव हो जाएगा ना सर। हाँ बोलिए निधि जी, बोलिए। जैसे गरम चाय होता है, गरम विशेषण है तो उसका गरमाना हो जाएगा। सही, एकदम सही, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। मैं चाय गरम कर रहा हूँ, चाय गरमाना हो गया। अपनाना, अपनाना विशेषण क्या है इसमें जितिन जी? जितिन जी विशेषण बताएंगे इसमें? अपनाना में भाव है तो भाव से नहीं होगा ना, वो तो फिर अपनाना संज्ञा में चला जाएगा, हम विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। जैसे चिकना से चिकनाना, चिकना विशेषता है उसकी। निराश होना, दिव्या जी निराशा तो भाववाचक है ना, तो संज्ञा में चला जाएगा, हम विशेषण पे चर्चा कर रहे हैं, निराश भी भाववाचक में आएगा। ठीक है, आप गर्म हो गया, ठंडा हो गया, जैसे मान लीजिए गर्म चाय किसी ने दिया तो इसको ठंडा करके लाइए, तो मैं इसको ठंडवा रहा हूँ या ठंडा कर रहा हूँ, तो इस तरह का शब्द वहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया, मतलब किसी भी चीज़ की सुंदरता, शिवम जी विशेषण ले रहे हैं, उससे क्रिया बनाइए। सुंदरवाना तो नहीं होगा ना, सुंदरीकरण आप प्रयोग करेंगे। सर वैसे तो ठंडवाना भी तो नहीं होता है सर वर्ड, वो पहली बार सुन रहे हैं, ठंडवाना वर्ड होता है क्या? होगा बताइए, चलित भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, स्थानीय भाषा में सुंदरता जो ठंडाना होता है ना सर, ठंडवाना होता है सर। हाँ बोलिए शिवम जी। सर ये सुंदरता का जो आपने बोला उसका क्या होगा? सौंदर्यीकरण, सुंदरीकरण होगा ना, सौंदर्यीकरण एक्चुअली में होता है, सुंदरता संज्ञा है जी। ठीक है, ओके जी। हाँ, सर नाम धातु और प्रेरणार्थक शब्द को कैसे पहचानेंगे? इसमें भी तो आना ही है, उसमें भी आना है, बट यही डिफरेंस है कि ये संज्ञा और विशेषण में देखिए हाँ, मतलब प्रेरणार्थक में क्या होता है, कोई आपको प्रेरणा देता है, आपसे कहता है कि आप करिए, और इसमें क्या होता है नाम धातु में क्या होता है कि प्रेरणा वाली सीन नहीं है इसमें। आप देखिए
सुंदरीकरण, संज्ञा या विशेषण। तो संज्ञा क्या है, जैसे आपने लात बोला या गरम बोला, गरम विशेषण में आ गया, और लात लतियाना, लतियाना तो अक्सर चलता है, आज हमको हमारे पिताजी लतिया दिए, ठीक है, तो उस रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप लोग ऐसे संज्ञा शब्द ढूंढ करके और उसको इसमें क्रिया में बदलने का प्रयास करिए, छोटे छोटे, जैसे पढ़ क्या हो गया, पढ़ अपने आप में क्रिया है, वो विशेषण नहीं है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए घर में बैठ के, थोड़ा मंथन करिए 5-7 मिनट, और ऐसे विशेषण चुनिए जिसको हम क्रिया में बदल सकें, और मैंने आपको बताया इसमें प्रत्यय लगा करके इसको हम विशेषण में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। सर सिर्फ ना पत्ते प्रत्यय लगाना है? नहीं नहीं, ना नहीं, और आना भी तो आ रहा है ना, चिकनाना, ठंडवाना, सर पढ़ से पढ़ना, पढ़ना, पढ़ तो अपने आप में क्रिया है, पढ़ क्रिया है, किस प्रकार की है अभी तो मैंने चर्चा किया, पढ़ जो शब्द है वो क्रिया है, उसे मैंने ला ना लगा दिया, पढ़ना, वाना जब हमने लगाया तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया बना दिया है, ठीक है। परस जी, सर एक बार इसका डेफिनेशन बना दीजिए। किसका? नाम धातु का। नाम धातु का मैंने बताया कि विशेषण अथवा संज्ञा से जो भी क्रिया बनेगी वह नाम धातु कहलाएगी, क्लियर है, आगे बढ़े। एक चीज आप जान लीजिए, हाँ कोई कुछ कह रहा था अभी, चलिए, क्रिया को छोड़कर संस्कृत में जितने भी शब्द हैं व्याकरण के, मतलब सर्वनाम हो गया, संज्ञा, विशेषण, इन सभी चीजों को नाम कहा जाता है, ये आप ध्यान से दिमाग में नोट कर लीजिए कि नाम जहाँ प्रयोग होगा वहाँ क्रिया के अलावा बाकी जितने शब्द हैं वो सब नाम में आते हैं। सर संज्ञा विशेषण सर्वनाम सब 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 नाम धातु में जाएगा सर, सारा धातु नहीं, नाम खाली, धातु मतलब क्रिया हो गया संस्कृत। अच्छा, सिर्फ नाम में है। हाँ, जैसे आप कभी संस्कृत में पढ़िए, कहीं पूजा पाठ हो रहा हो तो वहाँ बोलते हैं अमुक नामोहम, अमुक शहरे, अमुक गृहे, अमुक तिथो, इस तरह की बात करते हैं। तो संस्कृत में अगर पढ़ना हो तो, चूँकि संस्कृत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर नाम पूछा जाए, संस्कृत लिखा हो, तो नाम का मतलब क्रिया के अलावा बाकी सारा ऑप्शन आप ले सकते हैं। ऑड मैन आउट जहाँ सेलेक्ट करना होता है वहाँ कई बार इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्रिया में, थोड़ा और अंदर चलते हैं क्रिया के, अब भेद में हम चलते हैं। अभी तक तो क्रिया का प्रारूप कैसे करेंगे वो खत्म कर लिया, अब हम क्रिया के भेद में चलते हैं। और ये जान लीजिए कि ये जो क्रिया का भेद मैं बताने जा रहा हूँ, पूरे व्याकरण में अब इसका प्रयोग जगह जगह होता रहेगा, इसलिए ये भेद आप लोग एकदम डायरी में और मन में नोट कर लीजिए। क्रिया के दो भेद हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक, ठीक है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, एकदम आसान सा है। अब बिल्कुल रवि जी, आपका संदेश थोड़ा लेट से आया, हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम आपको सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला अकर्मक, अकर्मक क्या है, जिसमें क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, मतलब कर्म नहीं होता है। जी सर, ठीक है, सिंपल सा, अगर आप साधारण, सुमन जी आपका वीडियो ऑन है, बंद कर लीजिए नहीं तो डेटा अधिक खर्च होगा, ठीक है। स अकर्मक पहले हम पढ़ रहे हैं, अकर्मक में क्या होता है, अ मतलब इसमें कर्म नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म न हो या फिर क्रिया का फल कर्म पर न पड़ रहा हो तो वह अकर्मक होता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मैं खाता हूँ, क्या कहा मैंने, मैं खाता हूँ, इसमें कर्म नहीं है, है क्या कर्म कहीं, विद्या जी, विद्या जी, नहीं सर, तो ये अकर्मक, कर्म नहीं है। एक उदाहरण आप दीजिए। मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, वेरी गुड। दिव्या ने कहा वह गाता है, बहुत सुंदर। और किससे लूँ मैं, पारस जी आप बताइए हमें ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो। पारस जी, मैं नाचता हूँ, बहुत सुंदर, मैं नाचता हूँ, और
लिखना में क्रम होगा सर, मैं हंसता, राव हंसता है, हाँ वो सब चला जाएगा, मुकेश सोता है, मैं हंसता हूँ, चिड़िया उड़ती है, ये सब मतलब कर्म नहीं है ना। आप कोई भी वाक्य सेंटेंस फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें हिंदी में जब हम करते हैं तो सबसे पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, बिना इसके, हाँ सूर्य डूबता है बिल्कुल सही है, तो बिना इसके बिल्कुल आप लोगों ने सबने सही बताया। अब मैं थोड़े से इसमें और इसकी गहराई में चलता हूँ, अकर्मक आप लोगों को स्पष्ट हो गया उसमें कर्म नहीं है। अब अगर आप देखें तो कुछ ऐसी क्रिया होती है, मैं एक नाम देता हूँ उस क्रिया को, गतिबोधक क्रिया। गतिबोधक क्रिया क्या होती है कौन बताएगा इसमें से, कोई आप में से बताना चाहेगा गतिबोधक क्रिया? सर जिसमें गति हो, दौड़ना, भागना, कहीं जाना। हाँ, एकदम सही शिवम जी आप बता रहे थे, लगातार चलने का बोध हो, बिल्कुल गति का बोध हो। गति मतलब अंग्रेजी में अगर देखें तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जिसको बोलते हैं MOVE, तो जिसमें भी गति हो, स्थान परिवर्तन जहाँ हो वहाँ गति होगी, ठीक है। तो गति बोधक क्रिया हमेशा अकर्मक होती, ये लिख लीजिए आप, गति मतलब स्थान परिवर्तन होना, गतिबोधक क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, आना जाना, घूमना, दौड़ना, उड़ना, ये गतिबोधक क्रिया है। सर नाचना भी तो इसी में आएगा सर, बिल्कुल, क्योंकि नाचने के समय भी स्थान परिवर्तन होता है। एक और बोधक क्रिया है जिसको अवस्था बोधक कहते हैं, अवस्था बोधक जो क्रिया होती है, अरे अवस्था बोधक जो क्रिया होती है, सॉरी, अरे अरे सब लोग देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हो? हेलो, हाँ क्षमा चाहूंगा, हमारा बालक थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो गया था, मैं आपको बता रहा था कविता जी आपने आने में बड़ी देर कर दी। चलिए मैं बता रहा था गतिबोधक क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, स्पष्ट है, किसी को संदेह हो तो बताएं। शिवम सुन पा रहे? दूसरी जो सर अकर्म, हाँ सर सुन रहा हूँ, अकर्मक में वही सोच रहे थे, अकर्मक में क्यों जाएगा? गतिबोधक ना मतलब कर्म नहीं हो रहा, कर्म उसमें है ही नहीं। मैं सर लेकिन कर्म तो हो रहा है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूं पृथ्वी सूर्य, होल्ड ऑन शिवम जी, होल्ड ऑन, मैंने आपको बताया कर्म और क्रिया में अंतर, मुझे ये संदेह था, कर्म और क्रिया में अंतर है। क्रिया का मतलब काम का करना या होना पाया जाता है जिसमें, और कर्म क्या होता है, कर्म भी एक तरह से संज्ञा है। यहाँ किसी वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त जो संज्ञा हो वह कर्म माना जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप अंग्रेजी से अगर समझे तो, जैसे सब्जेक्ट राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम सब्जेक्ट है और मैंगो जो है वह भी तो संज्ञा है, वह कर्म कहलाएगा। तो इसमें मैं नाचता हूँ में कर्म क्या है बताइए? आप कर्म दूसरे ढंग से समझते हैं, कर्म मतलब मैं कृषक हूँ तो कृषि मेरा कर्म है, वो नहीं होगा यहाँ, कृषक कर्म माना जाएगा, मैं कर्ता और कृषक कर्म, ठीक है, स्पष्ट हुआ शिवम जी? जी ठीक है। अब मैं नाचता हूँ इसमें कोई कर्म है क्या? नहीं है ना, मैं आपकी बात पे फिर आऊँगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी ये बात। दूसरी चीज है, मैंने बताया आपको गतिबोधक अर्थात जिसमें मूवमेंट होता है, जो चले फिरे, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना। इसके बाद अवस्था बोधक होता है, अवस्था क्या होता है, जैसे मैं बैठा हूँ, होना, रहना, सोना, ठीक है। अवस्था बोधक में होना, रहना, सोना, जैसे मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें बैठे बैठे एक स्थान पर अगर हो रहा है तो यह अवस्था बोधक होगा, और अवस्था बोधक क्रिया भी अकर्मक क्रिया होती है। कर्मक होगी? हाँ बोलिए पूजा जी, बोलिए। वो भी अकर्मक ही होगी ना सर, क्योंकि ये भी इसमें कर्म नहीं हो रहा है। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, अच्छा, गति बोधक और अवस्था बोधक ये दोनों आपके अकर्मक है, मतलब कर्म उसमें नहीं है। क्लियर है सर? एक डाउट है। हाँ बोलिए।
सर जैसे गति बोधक में आपने बोले हैं कर्म, मैंने कर्म नहीं हो रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये निरंतरता का भाव है इसमें गति बोधक, लेकिन उसमें कर्म तो ये जैसे तो ये आकर्मक है। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन घूमता है इसमें प्रश्न करें, कौन घूमता है शिवम जी? पृथ्वी, पृथ्वी सर, पृथ्वी। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? पृथ्वी से, डेफिनेटली पृथ्वी के ऊपर। क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से आप पढ़ें, सूर्य पे से क्रिया का प्रभाव सूर्य पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्रिया का प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ता, वह अकर्मक होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमना क्रिया है, कौन घूमती है बताइए? पृथ्वी, पृथ्वी। अर्थात क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पृथ्वी पे या सूर्य पे? पृथ्वी पे। तो कर्म पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, कर्म तो यहाँ एकदम मूक दर्शक है, वो खड़ा है, उसकी प्रदक्षिणा हो रही है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़े तो वह अकर्मक होता है, न पड़ना, कर्म पे न पड़, अ मतलब न हो गया। अब स्पष्ट हो पाया शिवम जी? जी जी ठीक है जी सर। चलिए सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना सर, पृथ्वी सूर्य, सर इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर जो चक्कर लगा रही है चूंकि पृथ्वी, तो वो चक्कर लगाने का यहाँ पे जो जो चक्कर लगाना है वो तो ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है, लेकिन वो कर्म चूंकि पृथ्वी के ऊपर। एक मिनट रोजी, मैं बता रहा हूँ, कर्म कौन है इसमें, ऑब्जेक्ट कौन है? सूर्य है, मैंने बताया। अच्छा, कर्म हमेशा संज्ञा होगा ना, जैसे पृथ्वी संज्ञा होती है सर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, सूर्य तो चुपचाप मौन खड़ा है, तो चक्कर लगाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव तो पृथ्वी पे पड़ रही है ना, तो इसलिए उसका कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अकर्मक है वो। क्लियर है या फिर बताऊं मैं? रोहित जी, पूजा जी क्लियर है सर? ठीक है पूजा जी, ना कुछ बोल रही हूँ तो स्पीकर ऑफ रखिए। हाँ सर बंद कर। ये मैंने आपको बताया कि अकर्मक गति बोधक और अवस्था बोधक दोनों, मूल रूप से आप यही मान लीजिए कि कर्म, क्योंकि ये वाक्य समझने में काफी लोगों को कठिनाई होती है कि कर्म का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पे, ये कैसी बात है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि कर्म ना हो, या कर्म हो तभी क्रिया सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के द्वारा होना हो रहा हो, यह हो गया अकर्मक। मुझे लगता है अकर्मक में आज के बाद आपको संदेह नहीं होना चाहिए, और किसी को संदेह हो तो बताएं, संदेह हो तो बताएं, नहीं फिर हम आगे बढ़े सकर्मक में आए। सर हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ रोमा जी। सर जो बोल रहे हैं, जो आपने एग्जांपल दिया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये अकर्मक क्रिया बनाएगा ना? बिल्कुल अकर्मक होगा, क्योंकि कर्म पे तो इसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा ठीक है सर, चलिए अब हम सकर्मक में आते हैं, काफी लोगों का संदेह इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चक्कर लगाना, चक्कर लगाना क्रिया है और वो पृथ्वी लगा रही है, सूर्य तो नहीं लगा रहा है। चलिए अब सकर्मक में हमारे सूर्य के चारों ओर, तो ये आधार लिया जा रहा है ना, सूर्य की आधार है, लेकिन क्रिया का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है ना, क्रिया नहीं है सर, इसलिए हम तो क्रिया की बात कर रहे हैं ना, क्रिया में चर्चा कर रहे हैं, क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़े। ठीक है अब आते हैं सकर्मक में, और सकर्मक क्रिया का फल हमेशा कर्म पर पड़ता है, कैसे? सकर्मक क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पर पड़ता है, जैसे उदाहरण मैं देता हूं कि मैं रोटी खाता हूं, क्या खाता हूं? रोटी, अर्थात कर्म को मैं खा रहा हूं। ठीक है, राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? निधि जी ने बताया पत्र लिखता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पे यहां पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, तो यह सकर्मक होगा। स मतलब होना, पॉजिटिव जिसको कहते हैं, तो इसको आप मान लीजिए ऐसे वाक्य जहां मिले वो सकर्मक होंगे। स्पष्ट है या कुछ और उदाहरण दूं मैं? स्पष्ट है सर। ठीक है कीर्ति जी, आपको स्पष्ट हुआ? अब मैं आपको एक कंफ्यूजन देता हूं, प्रियंका शाह जी तैयार रहिएगा मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए, प्रियंका शाह के बाद प्रियंका गुप्ता जी मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। प्रियंका शाह से मैं पूछता हूं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यह सकर्मक है या अकर्मक है? सर सकर्मक क्रिया।
कैसे? चलिए प्रियंका गुप्ता जी बताइए, अकर्मा क्या? कर्म है ही नहीं। कर्म है ही नहीं, वेरी गुड। और किसी से ले लेता हूँ सवाल, कौन और बताना चाहेगा? वॉलंटियर सर बोले सर। हाँ, तो बताइए, इसके बाद बानी बताएंगी। तो पूछिए सर। मैंने पूछा वह पढ़ता है, सकर्मक है कि अकर्मक है? अकर्मक है। अकर्मक, ठीक है बानी जी। अकर्मक है सर। ठीक है बानी जी, क्या कह रही हैं? बानी जी नहीं बोल रही हैं, ठीक है। अमित जी आप बोल पाएंगे? अश्विनी जी से मेरी बात काफी दिनों से नहीं हुई, अश्विनी जी आप बताएंगे? अश्विनी जी नहीं, मैंने जो प्रश्न किया अरुण जी, सर अकर्मक है। अकर्मक है, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको सकर्मक कहना चाहते हैं? विनीता जी आप क्या कहेंगी? सर सकर्मक है, हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जबरदस्ती बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सर वो तो पढ़ता है, बता तो रहा है, क्या कर रहा है तो पढ़ता है। सर अकर्मक को अगर बोला जाए तो वो पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक होता है। सर इसमें सर सकर्मक अकर्मक जहाँ तक हम जानते हैं कि सकर्मक में सर प्रश्न पूछने से उसका उत्तर निकले, कौन क्या क्या, तो कौन पुस्तक पढ़ता है इसका उत्तर निकल रहा है सर, इसलिए सकर्मक है सर। बिल्कुल सही आपने व्याख्या किया, मैं थोड़ा सा और इसको साफ कर देता हूँ। जी सर बोलिए। ये जो वाक्य मैंने कहा इसमें क्रिया सकर्मक है, कैसे है? वह पुस्तक पढ़ता है, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई कह रहा है, इसमें कहने वाला कोई और है, और वह जो शब्द है सर, हाँ बोलिए सर, इसके अंदर ये सकर्मक इसलिए होगा ना कि जैसा आप जो बोलना चाह रहे हैं, सर माफी चाहूंगा, लेकिन जो बालक खुद कर रहा है, हाँ, बता भले ही हम रहे हैं लेकिन बालक वो खुद क्रिया कर रहा है, हाँ, मतलब इसमें कर्ता क्या कौन है, यानी वह जो अपन लगाए जिस बंदे की बात कर रही है इनडायरेक्टली, लेकिन करता वो खुद ही है ना सर, जब वह पढ़ता है इसमें कर्म छुपा हुआ है, ठीक है, है? सकर्मक है। हमारी मैडम कह रही है अकर्मक, तो अकर्मक है ना, सकर्मक कैसे होगा, वह पढ़ता अगर, है सर, अगर मैं तो कौन पढ़ता है, तो आंसर वह आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने से तो उसका उत्तर निकल रहा है। हाँ, उत्तर ना आता तो वो तो वह अकर्मक होता। अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि वह पढ़ता है तो हम पूछेंगे वह क्या पढ़ता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। पूजा जी एक मिनट, पूजा जी एक मिनट, सबके शंका का समाधान मैं करने जा रहा हूँ, सकर्मक क्यों है? पहली बात तो इसमें कर्म छुपा हुआ है, ठीक है, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, लूसेंट पढ़ता है या एके सिंह पढ़ता है, वो जो एके सिंह है छुपा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यदि मैं अपने बारे में कहता हूँ एज ए सब्जेक्ट या एक कर्ता के रूप में अपने बारे में कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, जहाँ वक्ता खुद करता है उसमें अकर्मक होगा, अगर कर्म करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तो वह सकर्मक में आएगा, एकदम आसान फॉर्मूला है। क्लियर है या और दूसरे रास्ते? अगर बोलेंगे राम हंसता है, सर अगर बोले राम हंसता है तो क्या हम तो ये नहीं, राम तो खुद अपने बारे में नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे तो कर्म है ही नहीं कि राम क्या क्या हंसता है, ऐसे ही ना पूछेंगे क्वेश्चन हम कि राम क्या हंसता है, तो यहाँ कुछ कर्म आएगा, वही तो यहाँ तो कर्म नहीं है, पर यहाँ पे राम खुद भी नहीं बोल रहा है, ये कोई और बोल रहा है, तो ये तो अकर्मक होगा, तो फिर हम कैसे बोले कि वह पढ़ता है, तो यहाँ पे वह तो नहीं बोल रहा है कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसको हम कैसे आपने जो बोला अवस्था बोधक में, तो आपने सर कहा जो एक स्थान पर बैठ कर होता है तो वो अकर्मक में आएगा, इसमें मैंने आपको बताया, ये कंफ्यूज मैंने बताया ना, ये जो वाक्य बोल रहा हूँ उसमें बड़ी कंफ्यूजन है, वह पढ़ता है, इसमें कर्म कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्या पढ़ता है, अगर आप प्रश्न करेंगे तो आएगा प्रश्न का जवाब, कुछ ना कुछ तो पढ़ता है, यही होगा ना, लूसेंट पढ़ता है या पता नहीं क्या पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, कॉमिक्स पढ़ता है, कुछ ना कुछ लिखा नहीं है तो फिर हम कैसे समझेंगे कर्म छुपा है। सर यहाँ पर यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, वो पढ़ता है मतलब क्या, वो तो पुस्तक को पढ़ता है ना सर,
यहाँ पे को जो सेंस आ रहा है, जो छुपा हुआ है, इसी कारण से ये सकर्मक क्रिया हो जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या सर? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप प्रश्न करेंगे, वो हंसता है, मैंने बताया ना, वो हंसता है, जब करेंगे तो क्या हंसता है इसमें कुछ आएगा क्या? लेकिन जब मैं पूछता हूँ वो पढ़ता है, तो इसमें क्या पढ़ता है तो प्रश्न हम कर सकते हैं ना, क्या पढ़ता है? वो साइलेंट है, वो छुपा हुआ है, हो सकता है व्याकरण पढ़ रहा हो सकता है उपन्यास पढ़ रहा हो। एक दूसरा वाक्य देता हूँ, उससे समझ में आएगी बात। मैंने कहा वह खाता है, हाँ सुन लीजिए, मैं बता दूँ फिर आप बताइएगा रूमा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह खाता है, ठीक है, वह खाता है मैंने बोला, तो इसमें कुछ ना कुछ तो खाता होगा ना, है कि नहीं है? जो खाता है वह शब्द छुपा हुआ है, तो जो खाने वाली जो वस्तु है वह यहाँ कर्म होगी। मान लीजिए मैं प्रश्न कर, मैं बताता हूँ, मैं आम खाता हूँ, यहाँ आपको आम कर्म स्पष्ट दिखाई देता है, पर कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्म छुपा रहता है, और जहाँ कर्म छुपा है उसमें इसे सकर्मक माना जाता है। सर जैसे लिखना होता है, पढ़ना हाँ। होता है, सर आप जो तो पी रहा है, पी ही रहा होगा, ये सब सब सकर्मक में आ गया सर, जो जितना भी है वो खाता है, खाना पीता है, ये सकर्मक में आ जाएगा, क्योंकि क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, शरबत पी रहा है, रूह अफजा पी रहा है, या कुछ और पी रहा है? आप खाने की बात करें तो क्या खा रहा है? आम खा रहा है, मिठाई खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, वो आ जाएगा इसी तरह। तो उसी तरह जब आप खेलता है, अगर हम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ चीज खेल ही ना आ रहा होगा, ये भी तो आ रहा है, क्या वो सकर्मक में आएगा कि वो अकर्मक में आएगा? जैसे वो खेलता है, राम खेलता है, खेलना क्या होगा, कौन सा बोधक क्रिया है? सर खेलना क्रिया, कौन सा क्रिया है खेलना? मैंने क्या बताया, क्या बोधक क्रिया है? गति बोधक मैंने बताया, गति बोधक क्रिया मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, किसमें आएगा? अकर्म। यहाँ पे पढ़ना में भी तो अवस्था है ना सर, एक जगह वो बैठ के पढ़ रहा है, तो फिर इसको हम कुछ उसमें भाव छुपा हुआ है, ये व्याकरण का नियम है, उसमें कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है, नहीं छुपा है सर? खेलने वाला जो अभी उदाहरण